अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है उसामा। अगर आपका नाम उसामा है या अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बेटे से नवाजा है और आप उसका नाम उसामा रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज हम उसामा नाम से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक उसामा की जानिब। उसामा की उर्दू इमला में जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं वो हैं अलिफ, सीन, अलिफ, मीम और हे, जबकि इंग्लिश में इसके स्पेलिंग यू एस ए एम ए के साथ किए जाते हैं। उसामा नाम के साथ जो दीगर नाम मिलाकर रखे जाते हैं, मोहम्मद उसामा, उसामा अहमद, उसामा नसीर, उसामा जैद, जैद उसामा वगैरह। जिंसी तौर पर ये नाम लड़कों के लिए मखसूस समझा जाता है, मजहबन ये एक मुस्लिम नेम है। हमारी रिसर्च के मुताबिक उसामा नाम का बुनियादी ताल्लुक अरबी जुबान से है। इल्मुल आदाद और इल्मे जफर के माहिरीन के मुताबिक इसका खुशकिस्मत नंबर 3 को समझा जाता है। खुशकिस्मत अय्याम में जुमा और सोमवार शामिल हैं। खुशकिस्मती के कलर्स में नीला और सब्ज कलर शामिल हैं। खुशकिस्मती का पत्थर मरकत है। खुशकिस्मती की धात चांदी। इल्मुल आदाद और इल्मे जफर के माहिरीन के मुताबिक ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जबकि इस्लामी नुक्ते नजर से इन चीजों में ऐसी कोई खासियत नहीं पाई जाती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक उसामा नाम के मतलब की जानिब। तो उसामा का मतलब होता है नेक सुलूक करने वाला। अगर आपका नाम उसामा है, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपको नेक, तंदुरुस्त, सेहतमंद, आफियत वाली जिंदगी से नवाजे। और अगर आप अपने बेटे का नाम उसामा रखना चाहते हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे नेक सालहे और फर्मा बरदार बनाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।